प्रोफेसर समरेन्द्र बसा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना पाई। प्रोफेसर बसा आपको स्वागत करुच्ची कलिंग टीवी को। वर्तमान जो बाइडेन ओहरी जाइछन्ति राष्ट्रपति प्रार्थित्व रो जे भली भाव दल रे एवं वरिष्ठ नेता माने मध्ये तांको उपरे मत दउथिले जे बाइडेन ओहरी जबार आवश्यकता रहिछि एवं वर्तमान से ताहा ही करिछन्ति, ये ट्रम्प को केते प्रकार सुहाइबो? बाइडेन को ओहरिवा पछरे तो अनेक कारण रही, कारण जमी आप कहे बाइडेन डिस्कसन रे से टोटल डिफेम होते कोविड अटैक करता डेमोक्रेटिक पार्टी सांसद मैंने टोटाली चाहून थे आउ चार वर्ष ये कम्प्लीट करेंगे बोली। नेक्स्ट रहा जो इंडियन अमेरिकन सिटीजन से गोटे प्रकार नाराज थे ये समय वर्तमान जिते बे ओहरिले से कहले मुशर हितपाई और पार्टी हितपाई ये पद छाड़ी और नॉमिनेशन रे वर्तमान से कमला हैरिस जी की फास्ट ब्लैक इंडियन लेडी प्रेसिडेंट वर्तमान बछा जाए ते वर्तमान कथा हूँ जे आम डेमोक्रेटिक छाड़ी रिपब्लिकन पार्टी कथा देखा से ट्रंप को जिते गोली लगी सिंपाथी कंडीशन प्रति टे बे झुकाव अमेरिकन सिटीजन मान कि सी जो कथा कटाक्ष कर कमला हैरिस आसिले जितवाई सहज हम कि वर्तमान आम देखा आगको नवंबर रे इलेक्शन अच्छी पूर्व कैंपेनिंग फिटेस्ट कैंडिडेट वर्तमान जहां कि डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ डिसीजन नियागला कमला हैरिस को अर्थात बाइडेन हित लास्ट जिते गोटे इलेक्शन से केवे भी हारी ना तेना वर्तमान जेहेतु से जमी ओबामा कहले देश हित राष्ट्रभक्ति गोटे राइट डिसीजन तेणु वर्तमान कथा हूँ डेमोक्रेटिक पार्टी लीडरशिप एंड रिपब्लिकन पार्टी लीडरशिप ये जो डायरेक्ट भोट तर हुए अमेरिका प्रेसिडेंट तेना वर्तमान गोटे मन रखुच्छे तीन मास कैंपेनिंग रे जे निहाती भाव रे डेमोक्रेटिक पार्टी भल कर जहां कि ट्रंप कटाक्ष को मिछ प्रकाश कर। बिल्कुल आपण जमती कहते कि ट्रंप को कटाक्ष को गोटे प्रकार मिछ प्रमाणित कर पारे किंतु आउ जदि कह चारिमास रही निर्वाचन ता पूर्वर एभली दल नेतृत्व परिवर्तन ए सब गोटे प्रकार विरोधी पार्टी को सुहाइबनी त देखो विरोधी पार्टी को तो सुहाइवा भाया कथा थी जिते बाइडेन कंटिन्यू करते कारण बाइडेन कर हेल्थ इश्यू को नहीं बाइडेन जो चलता बेल लड़कड़े कोविड रे आइसोलेशन रे थिले एवं स्पीच रे मते से गोटे प्रकार डिमोराल होते ये समय पार्टी को सुहाइला वी आर इजी आम जितने गोटे प्रकार सहज होगा कि वर्तमान जिते सडन चेंज है कमला हैरिस को फाइनाल करागला वर्तमान निहाती रिपब्लिकन पार्टी थे चिंता कर फिटेस्ट कैंडिडेट से वर्तमान कैंपेनिंग कहतु वाइस प्रेसिडेंट कैरियर रे जहां जहां अमेरिका डेवलपमेंट रे हेल्प रही है यहाँ को निहाती अमेरिकन वोटर माने गोटे प्रकार ओके अमेरिका रे वर्तमान सुधा भी जदि कहिबा महिला राष्ट्रपति केही होई नांती ये भी गोटे प्रकार कमला हैरिस को पाई गोटे बड़ सपोर्ट पॉइंट रहिबो की? ऑब्वियसली ऑब्वियसली जिमती हमें ब्लैक कथा कहू ब्लैक कैंडिडेट कथा कहू फर्स्ट इंडियन लेडी ब्लैक लेडी ये दीटा वर्तमान मेन रही रोल रेस्पनसबिलिटी टू द कंट्री से अलग रही है कि वर्तमान जेतु फर्स्ट लेडी कैंडिडेट सोर्स ऑफ सिंपथी फॉर द वोटर्स। बिल्कुल सिंपाथी भोट कथा जदि कहबा एपटे ट्रंप को पाखरे भी सिंपाथी भोट रही छै बे तांको पाख तांको तांको गोली बाजी थिला तो सिंपाथी भोट तांको पाखरे भी रही छै किंतु ट्रंप करे दृढ़ोक्ति केते दूर जुक्ति जुक्त जे कमला हैरिस को हराइबा अति सहज हेबो? आमे देखिबा ओपिनियन पोल कथा बिफोर जतेबेले जतेबेले बाइडेन कंटिन्यू करथिले सेतेबेले 72% ओपिनियन पोल सपोर्ट रेस्थिला ट्रंप करो किंतु वर्तमान ओपिनियन पोल चेंजेस हबो काई कना जेतु गोटे कैंडिडेट माने चेंज करले नॉमिनेशन पई आउ 3 वीक्स अछि या भितरे कमला हैरिस को फाइनल हिची तो वर्तमान जदि नॉमिनेशन पूर्वरु प्रथम ओपिनियन पोल निहाती 72% रु तांकर स्लास करिवो बा खसिबो तळकु एवं देखिबे कमला हैरिस पोट को बेसी भारी हबो काई कना कमला हैरिस कैंडिडेट पई मध्ये अमेरिका रे भलो पोजीशन अछि से वर्तमान तांकर रेपो रेट मध्ये भलो अछि तेनो प्रोफाइल हिसाब से ब्लैक लेडी जमी मुझे फर्स्ट ब्लैक लेडी इन अमेरिका एवं फर्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सो एज लेडी एटा गोटे बहुत बड़ा कथा अमेरिका पाए। बिल्कुल जमती कि आम लास्ट इलेक्शन बेले आम देखी गोटे हैशटैग चली था ब्लैक लाइव्स मैटर तो से ट्रंप सरकार को बहुत हटहटा हवाक पड़ा से समय से सब कथा वर्तमान सुधा अमेरिकीय मानक मनरे रही तेणु आपण जो ब्लैक लेडी कथा कहते गोटे प्रकार टर्निंग पॉइंट हे
ଅବିୟସଲି କାରଣ ଯେମିତି ଲେଡ଼ି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲେଡ଼ି ବଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଡ଼ି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲସୋ ଇନ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉଟା ରହିଛି ଏବଂ ଲେଡ଼ି ଫିଲିଙ୍ଗ ଯାହା ରହିଛି ଏହା ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଅପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ନିହାତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର 72 ଥିଲା ବଟ୍ ନାଓ ଅପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ରେଣ୍ଡମ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କର ରେପୋ କେତେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯଦି ବି କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କ ରେପୋ ବଢ଼େ ଇଏ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକା ରହିପାରେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ କାରଣ ଯଦି ବାଇଡେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ଯାହା ତାଙ୍କର ଥିଲା 7 ଦିନ ପୂର୍ବର ଡାଇଲଗ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେ ହଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ୍ ଭୋଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ବାଇଡେନ୍ ଆଉ 4 ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କମଳା ହାରିସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେ ମେମୋରି ତାଙ୍କର ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳା ହାରିସ୍ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ସପୋର୍ଟ ଆସିପାରିବ କେମିତି ଭୋଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ନାଖୁଶ ଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଡୋନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଫଣ୍ଡ ରାଇଜର୍ସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଖୁଶ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରେସର କରୁଥିଲେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ହଟିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ପସନ୍ଦ କରିଛି ଏହାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭୋଟିଂ ରେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବେ।